रहीम ने देखे बड़ेन को, लगु ना दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहां करे तलवार। मतलब कि अगर आपकी जिंदगी के अंदर कोई बड़ी चीज मिल गई है तो छोटी चीजों का कभी भी बहिष्कार मत करना, क्योंकि जिस जगह छोटी चीज काम आएगी उस जगह बड़ी चीज का कोई भी आपके लिए फायदा नहीं होगा। इसी तरीके से बिजनेस के अंदर अक्सर हमने देखा हुआ है कि लोग छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करने लगते हैं जब उनको थोड़ी बड़ी सफलता मिलना शुरू होती है, और उसके बाद फिर से वो फिर वहीं आ जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल सिंह फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के हमारे सेकंड वीडियो के अंदर। जैसे कि पहले वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि एक कंपनी के पास में उनका रिटर्न विजन मिशन गोल होना बहुत जरूरी है, और वो अपनी टीम को शेयर भी होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है आपकी टीम के लिए और आपकी कंपनी के लिए भी। दूसरी चीज हमने बात की थी कि ड्रेस कोड होना बहुत जरूरी है आपके वहां पर, क्योंकि आपका ग्राहक कई बार कंफ्यूज होता है। आज हम बात करेंगे तीसरी चीज के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जरूरी है, और वो है डेली मॉर्निंग मीटिंग। जी हाँ, कभी भी आप अपने बिजनेस में काम शुरू करने से पहले एक चीज खास ध्यान रखना कि आपको सुबह में आपकी एक ब्रीफ मीटिंग होनी बहुत जरूरी है 5-10 मिनट की, जहां पर पूरे दिन का टास्क आपके टीम के हर बंदे को मिल जाए और वो पूरा दिन अलाइन हो जाए अपने टास्क को लेके, और वो पूरे दिन अपने काम को बेहतर तरीके से करने में अपना फोकस करे। अक्सर मैंने लोगों को देखा है सुबह में लोग मीटिंग नहीं करते हैं, और इस सुबह मीटिंग ना होने के कारण सुबह सुबह ही उनको कोई गाइडलाइन नहीं मिलती है, और इसीलिए पूरा दिन उनका किसी ना किसी ऐसे ही काम में निकल जाता है और लास्ट में उनको रिजल्ट नहीं मिलता। तो बहुत जरूरी है सुबह में मॉर्निंग मीटिंग कीजिए, सबका टू डू लिस्ट बनवाइए और क्या क्या टास्क लोग करने वाले आज का सुबह में ही लोगों को बता दीजिए, जो उनके काम को प्रोडक्टिव करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगा। चौथा काम है कि आपके यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सबका JD और KRA होना बहुत जरूरी है। JD का मतलब है जॉब डिस्क्रिप्शन, कि मतलब उसको करना क्या है, और KRA मतलब की रिजल्ट एरिया, कि आपकी कंपनी को वो कौन से एरिया में रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगा। अक्सर कर मैंने लोगों को देखा है कि लोग अपनी कंपनी में HR नहीं रखते हैं, और मैंने इसके लिए पहले ही एक वीडियो बनाया है कि HR कंपनी में क्यों जरूरी है। अगर आपके पास 10 लोगों की टीम है तो आप कंपनी में जरूर HR लाइए, और वो HR आपके हर बंदे का JD और KRA बना देगा, जॉब डिस्क्रिप्शन और की रिजल्ट एरिया, जिससे आपके टीम के हर बंदे को पता चलेगा मुझे क्या करना है और मुझे कंपनी को किस एरिया में रिजल्ट प्रोड्यूस करके देना है, तब जाके मैं सैलरी के लिए एलिजिबल होता हूं। अगर आप अपने टीम मेंबर का JD KRA नहीं बना रहे तो आप उसको फ्री की सैलरी दे रहे हैं, शायद वो आ रहा है और आप जितना उसको बता रहे हो उतना ही वो काम कर रहा है, और वो पूरा टाइम पास करके चला जा रहा है और पूरे महीने की सैलरी ले रहा है। तो खास ध्यान रखना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका टीम मेंबर एकदम प्रोडक्टिव हो और वो आपको बढ़िया तरीके से रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे, तो आप आपकी टीम मेंबर का JD और KRA जरूर बनाइए। पांचवी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है SOP। SOP का मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझा देता हूं। जैसे कि हमारे घर में खाना बनता है, हमारे घर के अंदर 5 दिन एक सब्जी बनती है, तो क्या पांचों दिन उसका टेस्ट सेम रहता है? शायद जी नहीं। लेकिन अगर आप किसी 5-स्टार होटल में जाएंगे, एक ही सब्जी को 5 दिन मंगाएंगे, तो 5-ों दिन उसका टेस्ट सेम रहेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे घर पर हमारे जो भी खाना बनाने वाले लोग हैं वो अंदाज से मिर्च मसाला और नमक डालते हैं, जबकि 5-स्टार होटल में उसकी रेसिपी बनी होती है, लिखा होता है कितना डालना है और कब डालना है, इसीलिए उनका टेस्ट कभी नहीं बदलता है और हमारे वहाँ का टेस्ट हर दिन बदल जाता है। तो इस तरीके से आपकी कंपनी में हर डिपार्टमेंट का SOP होना चाहिए। जैसे कि आपके वहाँ पर कोई पानी पिलाने वाला बंदा है, उसकी SOP क्या होनी चाहिए कि सबसे पहले उसके ड्रेस अच्छे होने चाहिए, वो बंदा जब भी पानी लेकर आए तो ट्रे में लेकर आए, ट्रे क्लीन होनी चाहिए, उसका ग्लास पूरा नहीं भरा होना चाहिए, 75% भरा होना चाहिए, उसका ग्लास किसी ना किसी बर्तन से ढका हुआ होना चाहिए, और उस तरीके से आप उसको पानी पिलाना है। तो ये पानी पिलाने का एक SOP मैंने बताया। इस तरीके से हर डिपार्टमेंट के आप SOP बना सकते हैं, और अगर आपने SOP बनाया तो आपको ये डर निकल जाएगा कि मेरा अगर बढ़िया से बढ़िया बंदा मुझे छोड़कर चला जाएगा तो मेरी कंपनी में नुकसान होगा, ये डर आपके दिमाग से निकल जाएगा। तो इसीलिए आपको SOP भी बनाना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हमने 3 चीजें डिस्कस की जो बिजनेस के अंदर छोटा है लेकिन बहुत इफेक्टिव है, जिसमें पहली चीज हमने डिस्कस की कि हमें डेली मीटिंग करनी है और सुबह में ही लोगों को टू डू लिस्ट दे देना है। दूसरी चीज हमने बात की कि जहां पर आपके हर टीम मेंबर का JD और KRA होना बहुत जरूरी है, और उसके बाद हमने बात की SOP के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की चीजें बात करेंगे, लेकिन खास ध्यान रखना कि ये छोटी सी चीज जो है
वो अगर आप इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो आपके बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएगी और आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए आपको बहुत सारा मदद मिलेगा। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको हर हफ्ते दो बार मिलने वाले हैं। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और आप अपने बिजनेस को ग्रो करते रहिए। थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।